तो गाइस अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, आपको प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, फिर भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी एक अच्छी आइडिया हो जाएगी। हे गाइस, दिस इज मयंक कुमार बाजोरिया, वेलकम आज के वीडियो में। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले ऐसे 3 प्रॉपर्टीज जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डे 1 से आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो है प्री लीज प्रॉपर्टीज। यानी कि इस प्रॉपर्टी को अगर आप खरीदते हो तो इसके संग जो टेनेंट है, जो टेनेंसी अग्रीमेंट है, वो भी आपको ट्रांसफर हो जाती है। तो गाइस ये जो बेनिफिट है वो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगी, टाटा टेक्नोलॉजीज की IPO से नहीं मिलेगी, ये आपको बेनिफिट ना कि गोल्ड में मिलेगी, ये बेनिफिट खाली आपको मिलेगी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने से। तो गाइस जो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है 40 लाख की एक शॉप प्रॉपर्टीज, जिसमें जो रेंटल इनकम है वो 18,000 की हो रही है। यानी कि जिस दिन से आप इस प्रॉपर्टी को खरीदते हो आपको 18,000 की पर मंथ इनकम होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि 5.4% की हर साल की आपको पैसिव इनकम फिक्स है इस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद। तो जो बैंक FD है इससे कम है, लेकिन इसकी जो वैल्यू अप्रिशिएशन है जिसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, उसको अगर आप कंसिडर करते हो तो आपकी जो बेनिफिट है वो काफ़ी हाई होगी। दूसरी जो प्रॉपर्टी गई हुआ है 35 लाख की एक ऑफिस प्रॉपर्टी, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी जो रेंटल इनकम है वो 22,000 की हर मंथ आपके बैंक में आनी शुरू हो जाएगी डे 1 से। तो यानी कि 7.5% की जो कैश इनकम है, जो पैसिव इनकम है सालाना, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर इस पैसिव इनकम को आप मंथली बैंक में डिपॉजिट करते रहते हो तो इसके ऊपर जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होती है वो अलग से मिलेगी और वैल्यू अप्रिशिएशन अलग। जो तीसरी जो प्रॉपर्टी गई वो है 55 लाख की एक ऑफिस प्रॉपर्टी, अगेन जिसकी जो रेंट इनकम है वो हर महीने 35,000 की आपकी बैंक में हिट करेगी लेने के संग बाद। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट करते 35,000 की मंथली इनकम फिक्स हो जाती है प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद, यानी कि 7.64% की सालाना पैसिव इनकम फिक्स। ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है एक डेवलप्ड एरिया में, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी अगर आप इस कंजर्वेटिव फिगर को भी लेते हो, पैसिव इनकम प्लस वैल्यू अप्रिसिएशन जो कि कम हो सकती है, तब भी आपकी 8 से 13% की सालाना रिटर्न इस प्रॉपर्टी में कहीं नहीं जाएगी। तो गाइस इस प्रॉपर्टीज को लेकर अगर कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए फर्दर, तो डिटेल वीडियो में दी गई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। और अगर ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो अभी कर लो, क्योंकि काफी ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।